Hello everyone, hello to all my kids. Megha ma'am loves you, and today I am going to start a very wonderful topic for class 7th. Okay, and 7th ka ek science topic hai, that is how to balance a chemical equation. ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो लाइक बहुत सारे बच्चों को ना एक बार में क्लियर नहीं होता. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज कि आई विल टेक वन बाय वन सच काइंड ऑफ टॉपिक जो आपको थोड़ा डिफिकल्टी प्रोड्यूस करते हैं आपके लिए. ठीक है, लाइक कोई भी ऐसा टॉपिक हम बनाएंगे या हम करेंगे जो आपको थोड़ा टफ लगता है और आप जिससे ना थोड़ा दूर चले जाते हो. तो हमें टॉपिक से दूर नहीं जाना, हमें टॉपिक से और अटैच होना है. और अटैचमेंट कैसे करनी है, टॉपिक से लव कैसे करना है, टॉपिक को मज़ेदार और क्रिएटिविटी के साथ कैसे लर्न करना है, वो दिस इज़ माई टास्क. ओके, तो चलो फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट के टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो आई हैव रिटन हेयर वेरी इंपॉर्टेंट. If I have written very important, it means कि important होगा. Okay, so यहाँ पर मैंने लिखा है based on law of conservation of mass. ठीक है, अब आप सोचोगे मैम ये क्या इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है, प्लीज़ डोंट राइट द बुकिश लैंग्वेज हेयर. ओके, सो मैं बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज यहाँ पर नहीं लिखने वाली हूँ. मैं सिर्फ आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, और मीनिंग कैसे करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट as well as the complete balancing also. तो एक बार में दो काम हो जाएंगे. अब देखो क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन देखो. आई हैव रिटन एम जी हेयर. एम जी इट इज एलिमेंट, मैग्नीशियम. ओके, इट इज हाइड्रोजन. ओके, इट इज सल्फर, इट इज ऑक्सीजन. अभी यहाँ पर 2, 4 ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है. अभी आप सिर्फ ये देखो कि अल्फाबेटिकली क्या लिखे हुए हैं एलिमेंट्स. ठीक है, अब लुक एट हेयर. हेयर आई हैव रिटन एम जी. ओके, आई होप आपको विजिबल होगा एस ओ एच. ठीक है, तो बैलेंसिंग में सबसे पहले आपको एल एच एस, ये दिख रहा है ना, आई हैव रिटन एल एच एस, तो आपको एल एच एस और आर एच एस लिख देना है. फाइन, अब एल एच एस में यू कैन सी हेयर आई हैव रिटन एम जी, हेयर आई हैव रिटन एच, हेयर आई हैव रिटन एस, हेयर आई हैव रिटन ओ. मतलब मैंने सिर्फ अल्फाबेट्स लिखे हैं और कुछ नहीं लिखा ना. अब देखो हेयर एल एच एस में एम जी कितने हैं, 1. हाइड्रोजन कितने हैं, 2. सल्फर कितने हैं, 1. ऑक्सीजन कितने हैं, 4. ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ ये लिख दिया है दैट नंबर ऑफ एटम्स दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, और आरएचएस में देखो, आरएचएस में एमजी कितने हैं, एज यू कैन सी 1. हाइड्रोजन कितने हैं फ्रॉम हेयर, 2. सल्फर कितने हैं, 1. और ऑक्सीजन कितने हैं, 4. ठीक है, तो एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो आई हैव रिटन की आर एच एस में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तभी तो पता चलेगा हमें कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ इक्वल हैं या नहीं. ओके, और कंपैरिजन के बाद हम देख पाएंगे कि वेदर इट इज़ कम्प्लीटली फाइन और नॉट. और बैलेंसिंग के लिए हमें और कुछ भी तो नहीं करना है. ठीक है, सो एज यू कैन सी एम जी इज़ 1, हेयर ऑल्सो एम जी इज़ 1, एच इज 2, हेयर ऑल्सो एच इज 2, एस इज 1, हेयर ऑल्सो एस इज 1, ओ इज 4, हेयर ऑल्सो ओ इज 4. तो आप देख रहे हो कि दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए हैं, इक्वल हैं. और वेन एवर इन अ केमिकल इक्वेशन इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन एल एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल, इट मीन्स वी हैव फॉलोड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, बैलेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको एल एच एस पे और आर एच एस पे दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, इक्वल. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपका लिया था ना, ये बहुत ही कॉमन था और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको मल्टीप्लीकेशन या फिर कोई मैथमेटिकल रूल अप्लाई करना हो. अब हम फटाफट सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं. And I am completely, like I am damn sure कि second, I'm so sorry, ये back twist, ये pen थोड़ा twist हो गया. ये बीच बीच में ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है ना बच्चों. कोई बात नहीं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ अपने concept पर ध्यान देंगे. ठीक है, तो आप second equation देखो. Second equation I have written this, यहाँ पर भी exactly मेघा मैम ने वही किया है, LHS और RHS. ठीक है, तो LHS के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ना उनको लिखो. जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम, CA, CA you have written, carbon,
सी यू हैव रिटन ऑक्सीजन, ओ यू हैव रिटन एच हाइड्रोजन, यू हैव रिटन सी एल, यू हैव रिटन. अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, आई एम डैम श्योर, वो ये सोचेंगे कि मैम कभी कभी तो आप सी ए एक साथ लिख देते हो, सी को अलग कर देते हो, समटाइम्स यू हैव रिटन सी एल, समटाइम्स यू हैव रिटन एच अलोन. तो इसके लिए ना आपको केमिस्ट्री का क्लास सेवन्थ में एक चैप्टर है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो अगर उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड, क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है ना तो आप आगे कितना भी पढ़ते जाओ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा. तो यू हैव टू वर्क ऑन योर बेस फर्स्ट. जब तक आपको छोटी चीज़ें पता नहीं होंगी आप बड़ी चीज़ें कर ही नहीं पाओगे, ठीक है. तो उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि ये जो केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक है ना, ये बहुत सारे बच्चों को आगे तक परेशान करता है, तो इस पर हम वर्क कर सकते हैं. ओके, सो आई हैव रिटन सी ए सी ओ एच सी एल, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है सी ए सी ओ एच सी एल. यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ना, इसको ब्रेक नहीं करना, सीक्वेंस ब्रेक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, अब नाउ यू कैन सी सी ए कैल्शियम कितना है यहाँ पर, वन. कार्बन कितना है यहाँ पर, वन. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, थ्री. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर. अभी ये मत देखना कि मैम ने ये क्या इनटू इनटू टू कर दिया, इसको मत देखो अभी, सिर्फ ये देखो और इस वाले टू को भी भूल जाओ अभी, है ना. यू जस्ट हाइड दिस टू. अब ऐसे ही देखो जरा, एच कितने हैं, सिर्फ वन है ना, एच वन है ना, और अभी इस टू को भूल जाओ. तो सी एल कितने हैं यहाँ पर, सी एल भी वन है ना. ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, कैल्शियम वन, कार्बन वन, ऑक्सीजन देखो. अब यहाँ ऑक्सीजन ध्यान से देखना, एक तो ऑक्सीजन ये वाला हो गया और एक टू ऑक्सीजन ये, तो टू प्लस वन कितने हो गए, थ्री. हाइड्रोजन कितने हैं ये, टू. और सी एल कितने हैं बेटा, टू. ठीक है, तो आप देख सकते हो एल एच एस और आर एच एस में मेघा मैम ने अभी सबसे पहले क्या किया हुआ है, अभी बैलेंसिंग, अभी ये सोचो अभी बैलेंसिंग हुई नहीं है, अभी सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए हैं. ठीक है, अब देखो, एज यू कैन सी कैल्शियम इज वन, कैल्शियम इज वन, नो प्रॉब्लम. कार्बन इज वन, कार्बन इज वन, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया. ऑक्सीजन इज थ्री, ऑक्सीजन इज थ्री, अल्टीमेट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कितना अच्छा लगता है ना कि वाओ बैलेंसिंग इक्वेशन ऑलरेडी है, पर नहीं, आगे आगे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो अब एच देखो, एच आई हैव रिटन वन और यहाँ कितने हैं बच्चों, टू. सिंपल सा लॉजिक है. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि केमिकल इक्वेशंस में हमें मल्टीप्लिकेशन करना अलाउ है, डिवीजन करना अलाउ नहीं है. तो आप खुद सोचो वन को आप टू कैसे बना सकते हो. तो आप वन को टू से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली टू बन जाएगा. ऐसी क्लोरीन है, क्लोरीन में भी वन है और यहाँ टू है, तो वन को टू कैसे बना सकते हो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू आ जाएगा. सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो जैसे आपने हाइड्रोजन को यहाँ टू बनाया और क्लोरीन को भी टू बना दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको HCl, ये दिख रहा है ना HCl, इसके आगे यहाँ पर इन फ्रंट यू हैव टू अप्लाई टू. ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर यू हैव टू अप्लाई टू ना, जैसे HCl है तो HCl में आप टू हमेशा आगे ही अप्लाई करोगे, इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड. सम लाइक सम क्या 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो H2Cl ऐसे लगा देंगे, दिस इज रॉन्ग. और दे विल डू लाइक दिस HCl2, नो नॉट एट ऑल. और HCl2, नॉट एट ऑल, यू हैव टू फॉलो दिस ओनली, यू हैव टू अप्लाई इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड ओनली. ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर HCl2 लगा दिया, ओके फाइन, अब आप देख सकते हो कि एवरी एटम, एवरी एलिमेंट इज बैलेंस्ड एंड अबव इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड. सो ये मेरी एक बहुत ही इनिशियल कोशिश है, एक इनिशियल ट्राई है आपको बैलेंसिंग सिखाने की. साइंस के जो भी इम्पॉर्टेंट और ऐसे टॉपिक है ना जिससे स्टूडेंट्स दूर भागते हैं, मैं उन टॉपिक्स को कवर करूंगी जिससे आप उनसे अल्टीमेटली अटैच हो जाओ, और वो भी विदाउट एनी मेंटल प्रेशर, बिल्कुल हेजिटेशन, कोई भी हेजिटेशन नहीं करनी है. ठीक है, और आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा. आई विल नॉट एक्सपेक्ट और मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी कि आपको 100% आया है, नहीं, आपको 10% भी आया ना, दिस इज़ फाइन. कमेंट में सिर्फ अपने डाउट्स लिखो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स सॉल्व करूंगी. और लेट्स सी, नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं. ठीक है, और हंसते रहो और पढ़ते रहो. ठीक है, टेक केयर. ये पेन बहुत मूव कर रहा है. कोई बात नहीं.